टॉपिक होगा आज का ब्रूट फोर्स अटैक कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी या तो एथिकल हैकिंग कोर्स का ये जो टॉपिक है ब्रूट फोर्स अटैक, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो लैब है लैब को ऑलरेडी सेट करके रखा है। एंड इस लैब में मैंने एक मैंने दो सिस्टम यूज़ किया, जो कि एक तो होगा तुम्हारा काल लिनक्स सिस्टम, जिसको हम लोग एज ए अटैकर के हिसाब से यूज़ करेंगे, अटैकर सिस्टम के हिसाब से यूज़ करेंगे। और मेरे पास और एक सिस्टम है जो कि विक्टिम, जिसको हम लोग विक्टिम सिस्टम के हिसाब से डील करेंगे, जो कि ये हो जाएगा मेरे पास अभी फ़िलहाल ये वाला सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिस्टम अभी हम लोग तुमको दिख रहा है ये GUI मोड में नहीं है, ये कोर मोड में इसको मैंने ऑन करके रखा है, मतलब ये एक लिनक्स सिस्टम है। ठीक है, ये जो है ये एक लिनक्स सिस्टम है, और इस लिनक्स सिस्टम का IP क्या है मैं तुम लोग को दिखा दूँ फिर से एक बार, इफ़ कॉन्फिग टाइप करते हुए मैं दिखा दूँ, इफ़ कॉन्फिग, तो देख सकते हो इसका IP यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है सर तुम लोगों को, एच जीरो के अगेंस्ट में, ये तो एच जीरो लिख रहा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे साइड में देखना, यहाँ पे मेरा माउस काम नहीं करेगा इसलिए मैं दिखाता हूँ, एच जीरो का बगल में देखो साइड में यहाँ पे लिखा हुआ 192.168.29.197, ये इसका IP हो गया, और ये एक तरह से लिनक्स सिस्टम है। ठीक है, तो इस ये एक्चुअली यहाँ पे ये मेटा एक्सप्लॉइटेबल हो गया, मेटा एक्सप्लॉइटेबल सिस्टम है ये, जिसको हम लोग एज विक्टिम के सिस्टम के साथ, विक्टिम के सिस्टम की तरह इसको हम लोग यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे एक वेब सर्वर होगा जो कि वल्नरेबल वेबसाइट है, इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो भी वेबसाइट होगा वो वल्नरेबल होगा, क्योंकि अभी हम लोग को देखो जो भी स्कैनिंग कर, जो भी यहाँ पे अटैक लॉन्च करना है वो वल्नरेबल साइट के ऊपर ही करेंगे, और यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने खुद का एक सिस्टम ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी के ऊपर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग अपना ही लैब में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे जो काली लिनक्स सिस्टम है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले तो तुमको वो जो मेटा एक्सप्लॉइटेबल सिस्टम है उसमें जो भी सर्विस चल रहा है, मतलब वेब सर्विस, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका फायरफॉक्स को मैंने लॉन्च कर दिया, और फायरफॉक्स लॉन्च करने के बाद यहाँ पे उसका मैं IP टाइप करता हूँ 192.168.29.197। ठीक है, तो ये उस सिस्टम को यहाँ पे एक्सेस किया जाएगा अभी, एक सेकेंड रुको, 29.197 ही था IP शायद, मैं एक बार चेक कर लूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेटा एक्सप्लॉइटेबल जो सिस्टम है उसको हम लोग यहाँ पे काले लिनक्स सिस्टम पे सिस्टम से उसको एक्सेस करेंगे, ताकि उसका GUI को एक्सेस किया जाए। तो यहाँ पे उसका जो IP है 192. उसको मैं टाइप कर लेता हूँ 192.168.29.197। ठीक है, तो इसको मैं लॉन्च करता हूँ यहाँ पे। तो ये जो है ये वो वाला सिस्टम है, मेटा एक्सप्लॉइटेबल सिस्टम जो कि यहाँ पे दिखा हुआ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो सिस्टम है ये एक्चुअली हम लोग, ये किसका IP है, ये इस सिस्टम का IP, मैं एक बार पहले क्लियर करा दूँ चीज़ों को, ये इस सिस्टम का IP है जिसको हम लोग एज ए विक्टिम के हिसाब से यूज़ करेंगे, और ये एक वल्नरेबल साइट, वल्नरेबल सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारा वल्नरेबिलिटी है, ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तो उस सिस्टम को हम लोग काले लिनक्स सिस्टम से ही एक्सेस कर रहे हैं, उसका IP के थ्रू ब्राउज़र में जाते हैं, उसका IP टाइप कर रहे हैं, तो वो सिस्टम जो है यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, तो उसमें बहुत सारा इस तरह का एप्लीकेशन चल रहा है, सर्विसेज चल रहा है, उसको हम लोग एक्सेस करेंगे। तो DVWA डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन जो है यहाँ पे हम लोग इसको एक्सेस, उस साइट का ही इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग वहाँ यहाँ से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो, और उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट में यूज़र नेम जो पासवर्ड है मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट में यूज़र नेम एडमिन होता है और डिफ़ॉल्ट में पासवर्ड उसका पासवर्ड ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और इसको लॉगिन करता हूँ। तो ये मैंने उस साइट का जो उस मेटा एक्सप्लॉइटेबल सिस्टम का जो मैंने वेब सर्वर है उसको मैंने एक्सेस कर लिया, उसका वेब पेज को मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, DVWA वेब पेज को मैंने एक्सेस कर लिया, और यहाँ से इसके थ्रू यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह का टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर तुमको SQL इंजेक्शन का टेस्टिंग करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, XSS अटैक का तुमको अगर टेस्टिंग करना है यहाँ से कर सकते हो, ब्रूट फोर्स का करना है तो यहाँ से कर, यहाँ पे ब्रूट फोर्स लिखा हुआ है देखो। तो हम लोग आज का जो टॉपिक में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, ब्रूट फोर्स वाला टॉपिक को। एक्चुअली ये एक साइट है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स इंप्लीमेंट करेंगे, ये एक्चुअली ये एक साइट है, इसी के ऊपर हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक को इंप्लीमेंट करेंगे और समझेंगे ये ब्रूट फोर्स अटैक होता क्या है और इससे क्या मतलब, इसका
मतलब ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, क्या इससे निकलता है, ठीक है। तो अभी मैं बिना थ्योरी बात थ्योरेटिकली बात बोले डायरेक्ट मैं प्रैक्टिकली पहले पूरा चीज़ को मैं कर लूँ, तो बाद में तुम लोग को अपने आप से ये समझ में आ जाएगा और बाद में भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अभी अभी जैसे इतना जान लो कि यहाँ पे ये दो सिस्टम में से अभी जो मैंने यहाँ पे ये ब्राउज़र को एक्सेस ब्राउज़र के थ्रू ये जो पेज मैंने एक्सेस करके रखा है ये मेटा एक्सप्लोइटेबल सिस्टम का है, उसका वेब किस उसका जो वेब उसमें जो जो भी वेब सर्वर है उसका उस वेब सर्वर में एक पर्टिकुलर वेबसाइट को हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, DBWA साइट को हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारा ये सब ऑप्शन है, इसके थ्रू ये सब ऑप्शन में जाते हैं हम लोग ये सब का टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं काली लिनक्स सिस्टम पे ही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना मैं कहाँ पे हूँ, मैं अभी काली लिनक्स सिस्टम पे हूँ। तो यहाँ पे इस सर्वर के ऊपर इस वेबसाइट के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक इम्प्लीमेंट करना है हम लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा, तो अटैक कहाँ से लॉन्च करेंगे हम लोग, काली लिनक्स सिस्टम से, इसी सिस्टम से करेंगे, काली लिनक्स से करेंगे, क्योंकि ये अटैकर का सिस्टम हो गया, ठीक है। तो करेंगे कैसे, उसके लिए आज जो हम लोग यहाँ पर टूल यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही पावरफुल टूल है, उसको मोस्टली उसको यूज़ किया जाता है पेन टेस्टिंग के लिए। देखो ये सब चीज़ें हैकिंग के लिए नहीं, मोस्टली पेन टेस्टिंग के लिए। तुम सिक्योरिटी सिस्टम, तुम अपना वेबसाइट वेब पेज या तो वेब सर्विस का अगर तुमको सिक्योरिटी सिस्टम चेक करना है तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस टूल का यूज़ कर सकते हो। टूल का नाम हो गया बर्प स्वीट। टूल का नाम क्या है, ऑलरेडी मैंने इसको लॉन्च करके रखा है, टूल का नाम हो गया बर्प स्वीट, ठीक है। ये हो गया टूल का नाम, यहाँ पे ये लिखा हुआ है बर्प स्वीट। इस टूल को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्च करके रखा, मैं फिर से एक बार दिखा दूंगा लॉन्च करके। तो इसी टूल के मदद से हम लोग अलग अलग टेस्टिंग करते हैं वेबसाइट के ऊपर, वेब पेजेस के ऊपर, ठीक है। तो हाँ, तुम किसी की साइट के ऊपर कर सकते हो, लेकिन उसका परमिशन लेके कर सकते हो, किसी का बिना परमिशन लिए उस साइट के ऊपर तुम इस तरह से कोई भी एक्टिविटी मत करना, वो जो कि इलीगल होता है। अच्छा, अभी अभी हम लोग तो क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग खुद का लैब में खुद का ही सिस्टम में कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो चलो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्या, मैंने तुमको समझा दिया क्या करने वाले, वो मैंने वो बोल दिया। तो एक बार फिर से कि यहाँ पे हम लोग जो टूल यूज़ करेंगे वो टूल का नाम हो गया बर्फ स्वीट, और इस ये जो टूल है ये काली लिनक्स सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है, और ये तुमको विंडोज़ के लिए भी मिल जाता है। इसके लिए तुमको इसको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका भी दो वर्ज़न होता है, एक फ्री वर्ज़न और एक होता है पेड वर्ज़न। जो कि फ्री वर्ज़न होता है उसमें कुछ लिमिटेड कुछ कुछ फीचर्स तुमको वहाँ पे मिलेगा नहीं, और जो पेड वर्ज़न है वहाँ पे 100% फीचर्स मिल जाएगा। और सेकेंडली जो फ्री वर्ज़न है उसमें तुम ये जो यहाँ पे जो भी तुम टेस्टिंग का काम करोगे इसको तुम परमानेंटली सेव नहीं कर पाओगे फ्री वर्ज़न में, जो कि पेड वर्ज़न में पॉसिबल है। तो जो भी हो, हम लोग काली लिनक्स सिस्टम में जो भी वर्ज़न आ रहा है वो फ्री वर्ज़न है, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। एंड ये जो बर्फ स्वीट टूल है इसको सब जब फर्स्ट टाइम तुम लॉन्च करोगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्च करके रखा है, मैं तुमको एक बार लॉन्च करके दिखा दूँ फिर से एक बार, अगर तुमको फर्स्ट टाइम के लिए इसको लॉन्च करना है। मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ, ऑलरेडी मैंने लॉन्च करके रखा था इसलिए यहाँ से मैं फिर से एक बार क्लोज़ कर लेता हूँ। तो ये टूल तुम्हारा यहाँ से ये जो आइकन दिख रहा है ये बर्फ स्वीट वाला आइकन है, तो यहाँ पर क्लिक करो तो ये टूल लॉन्च हो जाएगा, बर्फ स्वीट कम्युनिटी एडिशन, जो कि फ्री एडिशन होता है, ठीक है। तो ये जब फर्स्ट टाइम के लिए लॉन्च होगा तो यहाँ पे तुम्हारे पास इस तरह से कुछ मैसेज आ सकता है, यहाँ पे अपडेट का मांग रहा है क्योंकि इसका एक नया वर्ज़न आ चुका है। फिलहाल मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा, यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो भी ऑप्शन आ रहा है इसको डिफॉल्ट में रहने दो, कुछ चेंजेस मत करो यहाँ पे, जैसे टेम्पोररी प्रोजेक्ट लिखा हुआ है वही रहने दो और इसको नेक्स्ट कर लो। मतलब जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग उसको टेम्पोररी प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग उसको तुम नेक्स्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद जो भी है ये सब डिफ़ॉल्ट में रहने दो, ठीक है। यूज़ बर्प डिफ़ॉल्ट, मतलब जो भी इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसी में रहने दो, और इसको इसके साथ साथ तुम स्टार्टअप स्टार्ट बर्प में यहाँ पे क्लिक कर दो। तो ये तुम्हारा टूल अभी लॉन्च हो जाएगा। तो उससे पहले मैं कुछ और बात बोलूँ, जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोग काली लिनक्स सिस्टम पे है और यहीं पे हम लोग बर्प टूल को यूज़ कर रहे हैं, और यहीं पे हम लोग इसी काली लिनक्स सिस्टम से क्या कर रहे हैं, वो जो मेटा एक्सप्लोइटेबल जो मतलब वल्नरेबल साइट उसको एक्सेस कर रहे हैं, किसे, फायरफॉक्स में जाते हुए उसका आईपी को टाइप करते हुए, ठीक है, उसका आईपी को टाइप करते हुए, इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, हाँ, इसका उसका आईपी को टाइप करते हुए हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र में उस पेज को एक्सेस कर रहे हैं। DBWA पेज को एक्सेस करने के बाद DBWA पेज में एक बर्फ स्वीट मतलब ब्रूट फोर्स अटैक को टेस्ट ब्रूट फोर्स अटैक टेस्टिंग के लिए मेरे यहाँ पे एक लिंक होता है, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ये वाला लिंक हो गया ब्रूट फोर्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते ही तुम्हारे पास एक लॉगिन का स्क्रीन आ जाएगा। देखो ये डेमो है, ये ऐसे ये कोई मतलब फंक्शनिंग वेबसाइट नहीं है, जस्ट डेमो टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिलहाल, एंड थोड़ा इसको मैं ये जो बर्फ स्वीट है
ये सब मैं समझाऊंगा थोड़ा बाद में, पहले तो मैं पहले तो ये साइट को मैं थोड़ा क्लियर करा दूँ। तो देखो ये इस तरह का एक डेमो, एक लॉगिन साइट आ रहा है, ठीक है। ये एक डेमो लॉगिन, मतलब हम लोग करेंगे क्या, मतलब ये जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड देके यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। तो यही यूज़र नेम एंड पासवर्ड इस साइट के ऊपर, इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर हम लोग अटैक लॉन्च करेंगे, ब्रूट फोर्स अटैक लॉन्च करेंगे। और ब्रूट फोर्स अटैक से होगा क्या, मतलब होगा ये है, मतलब ये होता है कि अलग अलग यूज़र नेम एंड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन लेते हुए यहाँ पे हम लोग अटैम्प्ट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन का अटैम्प्ट करेंगे, जो कि एक ह्यूमन बींग के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे समझ लो तुम यूज़र नेम, तुमने कोई भी एक यूज़र नेम तुमने मतलब एक आइडिया से ले लिया, तुमने एक यूज़र नेम होगा और कोई भी एक पासवर्ड तुमने आइडिया से ले लिया और उसको यहाँ पे ट्राई किया तुमने लॉगिन करने के लिए, तो लॉगिन हुआ नहीं। तो इस तरह से तुम कितने आइडियाज करके तुम कितना ट्राई करोगे, तुम्हारे एक यूज़र बींग के लिए, एक ह्यूमन बींग के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड कॉम्बिनेशन को या लाख्स ऑफ कॉम्बिनेशन को यहाँ पे किसी लॉगिन सिस्टम के ऊपर अप्लाई, मतलब लॉगिन अटैम्प्ट करने के लिए ट्राई करे, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक से क्या होता है कि यहाँ पे जो टूल है, बर्फ स्वीट टूल है, वो क्या करेगा, वो अपने आप से यहाँ पे क्या करेगा, लॉगिन अटैम्प्ट करेगा, अलग अलग यूज़र नेम एंड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन लेते हुए यहाँ पे क्या करेगा, वो लॉगिन करने का अटैम्प्ट करेगा। और जब सक्सेस, मतलब अगर कहीं पे मैच हो गया तो वो सक्सेस हो जाएगा, वही बात है, ब्रूट फोर्स अटैक से वही किया जाता है, मतलब अलग अलग यूज़र नेम एंड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन किसी भी लॉगिन साइट के ऊपर लॉगिन करने के लिए अटैम्प्ट किया जाता है, अटैम्प्ट किया जाता है ब्रूट फोर्स, मतलब ब्रूट फोर्स अटैक में, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम कौन करेगा, मतलब यहाँ पे जो अलग अलग यूज़र नेम एंड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन लेके इसमें अगर ट्राई करना है तो कौन करेगा, देखो मैं खुद कर सकता हूँ, मैनुअली कर सकता हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं तो वही काम कौन करेगा, अभी ये बर्फ स्वीट टूल करेगा, उसी के मदद से ही हम लोग यहाँ पे वो अटैम्प्ट करेंगे। जो मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम समझा था पोर्ट स्कैनिंग क्लास में, तुम लोग को मैंने क्या समझा था, किसी भी सिस्टम में तुम जब स्कैनिंग करते हो, किसी भी टारगेट सिस्टम को जब स्कैन करते हो, वहाँ से हम लोग पहले वल्नरेबिलिटी उसका पता करते हैं। वल्नरेबिलिटी वन, जैसे तुम्हारा ओपन पोर्ट हो गया वन ऑफ द वल्नरेबिलिटीज, तो पोर्ट ओपन होना ही वल्नरेबिलिटी नहीं होता है उसमें, वो सिक्योर भी रहता है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर कोई भी अटैक लॉन्च करना है तो हम लोग मोस्टली ओपन पोर्ट के थ्रू ही हम लोग उसको कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे समझ लो ये जो साइट है, इसका ओपन पोर्ट कौन सा है, पोर्ट नंबर 80 ओपन है, डेफिनेटली इसका पोर्ट 80 ओपन है, इसीलिए इसका वेब पेज को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मतलब एक तरह से यहाँ पे ये ओपन पोर्ट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लॉगिन का ये मुझे पेज मिल रहा है और यहाँ पे हम लोग ये अटैम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो हर बार ओपन पोर्ट होना एक तरह से वल्नरेबिलिटी नहीं होता है, लेकिन ये जो साइट, ये जो सिस्टम बनाया गया, ये वल्नरेबल बनाया गया है इस हिसाब से टेस्टिंग के लिए। चलो तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस, ये तो है, ये मैं ये कालीनाक सिस्टम में ही, मैं अटैक समझ लो अटैकर जो है वो उसने अपना सिस्टम में ही उस मेटास्प्लोइट जो वल्नरेबल पे सिस्टम है उसका पेज को यहाँ पे एक्सेस किया। अभी मुझे समझ लो कि उसका यूज़र नेम, आप मुझे उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड पता नहीं, तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा अलग अलग यूज़र नेम पासवर्ड लगा के मैं यहाँ पे लॉगिन का अटैम्प्ट लूँगा मैं, ठीक है। और वो कैसे करूँगा, वो ब्रूट फोर्स, वो सॉरी वो बर्फ स्वीट टूल की मदद से करूँगा मैं। चलो तो यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं इसका सही यूज़र नेम पासवर्ड क्या है वो मैं तुमको पहले बोल दूं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में होता है। तो इसका सही यूज़र नेम हो गया एडमिन, और सही यूज़र नेम हो गया एडमिन, और पासवर्ड पासवर्ड ही होता है इसका, ठीक है। मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे क्या दिखाएगा, देखो वेलकम, मतलब ये एक डेमो पेज है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मतलब लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, वेलकम टू पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया एडमिन जो भी हो। और अगर मैं यहाँ पे गलत यूज़र नेम पासवर्ड डालूं तो मैसेज क्या आएगा, देखो मैसेज ये आएगा कि तुम्हारा, फिर से एक बार मैं इसको रिफ्रेश, हाँ ये आ रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है, तो मतलब यही होता है, गलत यूज़र नेम पासवर्ड तो ये आएगा, सही डालो तो वो मैसेज आएगा। चलो वो तो हमें समझ में आ चुका है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग सब कुछ पता ही है, लेकिन टेस्टिंग के लिए, समझने के लिए कॉन्सेप्ट का हम लोग इसको इम्प्लीमेंट, हम लोग यहाँ पे ये वाला लैब में, इस लैब में हम लोग ये सब ट्राई कर रहे हैं। तो चलो अभी हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक को कैसे इंप्लीमेंट करना है बाय द हेल्प द बर्फ स्वीट टूल, उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो पेज है इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। अच्छा, उससे पहले तुम लोग को कुछ सेटिंग करना होगा, बर्फ स्वीट टूल को यूज़ करने से पहले कुछ ना कुछ सेटिंग करना पड़ता है। अभी सेटिंग क्या है, तुम्हारा जो भी यहाँ पे ब्राउज़र है, ये कालीनक सिस्टम पे जहाँ पे तुम बर्फ स्वीट टूल को यूज़ करोगे, तो उस सिस्टम का जो ब्राउज़र है, जैसे तुम्हारा अगर मोस्टली यहाँ पे तो कालीनक पे फायरफॉक्स ही होता है, तो वहाँ पे तुम जाओ उस फायरफॉक्स सिस्टम, उस फायरफॉक्स मतलब जो ब्राउज़र है उसको लॉन्च कर लो, उसको ओपन कर लो, और वहाँ पे उसका तुम ये जो थ्री, तुमको तीन लाइन दिख रहा है, मतलब सेट यहाँ पे, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वगैरह सब सब कुछ यहाँ यहीं से होता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन मिलेगा प्रेफरेंसेस, ठीक है, प्रेफरेंसेस वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। देखो तो ये सब करने से पहले कर लेना, तुम बर्फ स्वीट को यूज़ करने से पहले ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो बर्फ स्वीट का कोई मतलब नहीं रहेगा। बर्फ स्वीट को यूज़ करने से पहले ये कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस में जाना, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, जिन लोगों को, तुम लोग को मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाना है, उसके बाद प्रेफरेंसेस में जाने के बाद
तुम नीचे आ जाओ, एकदम नीचे आ जाओ, तुमको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क का, ये होगा नेटवर्क सेटिंग्स मिल गए यहाँ पे। इसमें तुम सेटिंग्स में क्लिक करना, ये जो सेटिंग्स वाला बटन है इसमें क्लिक कर देना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉक्सी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैंने ये ऑटोमेटिकली सेट कर, मैंने मैंने सेट करके रखा है। बाय डिफॉल्ट में ये तुम्हारा नो प्रॉक्सी में रहता है, यहाँ पर रहता है। तो तुमको करना क्या होगा, मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फिगरेशन ये वाला ऑप्शन में इसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे बाय डिफॉल्ट में यहाँ पर रहता है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जस्ट कुछ नहीं, तुमको आई पी एड्रेस डालना है यहाँ पर। यहाँ पर तुमको किसका आई पी एड्रेस, तुम्हारा इसी सिस्टम का जो लोकल होस्ट आईपी होता है वही डालना है। मतलब लोकल होस्ट का आईपी क्या होता है, वही 127.0.0.1, तुम्हारा केस में भी वही होगा, सबका अपना सिस्टम में यही आईपी होता है, तो वो डालना है यहाँ पे। और पोर्ट तुमको डालना है यहाँ पे 8080, बस इतना सा ही काम करना है यहाँ पे आके इस ब्राउज़र के लिए। बस इतना सा करने के बाद इसको तुम सेव करके ओके कर देना। फिलहाल तो मेरा ये ऑलरेडी पहले से ही सेव है, तो मैंने ओके कर दिया, बस इतना सा ही काम है। तो ये काम पहले कर लेना, उसके बाद तुम बर्फ स्वीट टूल को लॉन्च करना, जो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने बर्फ स्वीट टूल को लॉन्च कर दिया, उससे पहले ही हम लोगों ने इसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। पहले वो वाला काम कर लेना। उसके बाद करना क्या होता है कि देखो, जो हम लोगों ने प्रॉक्सी सेटिंग किया है ये फायरफॉक्स ब्राउज़र में जाके, वो मुझे यहाँ पर वेरीफाई करना है कि बर्फ यहाँ पर मैं क्या कैसे वेरीफाई करना है। यहाँ पर जब इस सॉफ्टवेयर को जब लॉन्च करोगे, इस बर्फ टूल को जब लॉन्च करोगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। ये तो अलग अलग मेनू, यहाँ पे मेनूज़ में अलग अलग ऑप्शन है, बाकी बहुत सारा ऑप्शन है, अभी मैं नहीं जाऊँगा, ये सब को छोड़ दो। अभी जो टॉपिक डिस्कस करें उसके ऊपर ही ध्यान दो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रॉक्सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉक्सी जाने के बाद यहाँ पे हम लोग एक चीज़ वेरीफाई करना है, प्रॉक्सी में क्लिक करना, और यहाँ पे तुमको ऑप्शंस मिलेगा, ये वाला चीज़, ये वाला प्रॉक्सी में क्लिक करने के बाद ये इसी से इसका कुछ अलग सा सब मेनू आ रहा है, इसमें ऑप्शंस वाला मेनू जो आइटम है उसमें क्लिक करना, और यहाँ पे ये तुम चेक कर लेना, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट में हो जाएगा। जब तुम वहाँ पे वो प्रॉक्सी सेट करोगे ना, यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक कि 127.0.0.1 ये यहाँ पे ये इस तरह से सिलेक्टेड है कि नहीं, और रनिंग है इस तरह से है कि नहीं, इसका ये बस तुम लोग चेक कर लेना। अगर ये सिलेक्ट नहीं है इस तरह से, इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान में रखना है कि बर्फ स्वीट मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है, ये है तुम्हारा ब्राउज़र में फायरफॉक्स ब्राउज़र से तुम जो भी ब्राउजिंग करोगे वो बर्फ स्वीट प्रॉक्सी को ही यूज़ करेगा बाय डिफॉल्ट में, समझ लो, ठीक है। बर्फ स्वीट वाला जो प्रॉक्सी है, मतलब इसके थ्रू ही, मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे समझ लो यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे जिस भी साइट को मैं लॉन्च करूँगा, पहले वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा बर्फ स्वीट टूल पे आएगा, और बर्फ स्वीट टूल के थ्रू ही वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगा, बाहर जाएगा, इंटरनेट में जाएगा। तो यहाँ पे बर्फ स्वीट एक तरह से प्रॉक्सी का काम कर रहा है, समझ लो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको, क्योंकि तुमको करना क्या होगा, जो भी पैकेट तुम्हारा सिस्टम में आ रहा है या तो तुम्हारा सिस्टम से बाहर जा रहा है, तुम्हारा सिस्टम बोले तो मैं किसका बात बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे काले लिनक्स सिस्टम का बात बोल रहा हूँ, अटैकर का जो सिस्टम उसका ही बात बोल रहा हूँ। इस सिस्टम में जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है या तो इस सिस्टम से जो भी रिक्वेस्ट बाहर जा रहा है, उसको बर्फ स्वीट टूल क्या करेगा, कैच करेगा उसको पूरा, उसको तुम्हारा वो स्कैन करेगा, स्कैन करके उसमें जो भी है उसका पूरा तुमको उसको एनालाइज करके तुमको यहाँ पे उसका डाटा शो करेगा बर्फ स्वीट टूल, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को करना क्या पड़ता है, ये चेक करना पड़ता है कि इस फायरफॉक्स से मौजूदा जो भी तुम्हारा ब्राउज़र है उसमें से जो भी तुम डाटा यहाँ से तुम्हारा बाहर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक डाटा आएगा, उसको क्या करेगा, बर्फ स्वीट टूल के थ्रू ही वो तुम्हारा डाटा तुम्हारा मतलब ट्रांसफर बाहर जाए या तो अंदर आए, ठीक है। तो उस जब बर्फ स्वीट टूल के थ्रू वो डाटा बाहर जाएगा, तो बर्फ स्वीट टूल क्या करेगा, या तो बर्फ स्वीट टूल क्या करेगा, उस हर पैकेट को जो भी पैकेट तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है या तो यहाँ से जा रहा है उसको क्या करेगा, वो स्कैन करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, चलो अभी यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ। तो यहाँ ये तो ब्राउज़र का मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ मैंने, तो यहाँ पे तुम लोग कन्फर्म कर लेना कि ये वाला यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, देखो मैं ज़्यादा यहाँ पे इतना बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन से बहुत सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल मैं इस कोर्स में इतना यहाँ पे डिटेल्स में कवर नहीं करूँगा, ये एडवांस कोर्स में हम लोग सिखाते हैं इसको डिटेल्स में। फिलहाल यहाँ पे भी बहुत सारा टॉपिक तुमको मिल जाएगा। चलो अगला टॉपिक, अगला बात ये है कि यहाँ पे मैंने प्रॉक्सी में जाके ऑप्शन में जाके इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्या करना है हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट जो हो गया, अभी देखो यहाँ पे और एक ऑप्शन है इंटरसेप्ट, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। इंटरसेप्ट मतलब क्या है कि हर ट्रैफिक को ये इंटरसेप्ट करेगा, जो भी ट्रैफिक यहाँ से जाएगा यहाँ तक आएगा उसको क्या करेगा, वो इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है। इंटरसेप्ट करके उसका एक रिपोर्ट तुमको यहाँ पे शो करेगा। चलो अभी बाय डिफॉल्ट में जो इंटरसेप्ट वो ऑफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेप्ट इज़ ऑफ, मतलब अभी इंटरसेप्ट क्या है, ऑफ है, ऑन नहीं है। इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंटरसेप्ट ऑन हो जाएगा, फिर से क्लिक करोगे तो इंटरसेप्ट ऑफ हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ रखता हूँ, ठीक है, इंटरसेप्ट मेरा क्या है अभी के लिए ऑफ है। अच्छा, उसके बाद फिलहाल मैं इसको इंटरसेप्ट को मैं ऑफ ही रखता हूँ यहाँ पे। एंड
अभी हम नेक्स्ट हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, ये करना है देखो, ये जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र में हम लोगों ने तो ब्राउज़र से हम लोगों को क्या करना है, वो जो वल्नरेबल साइट है, जो भी साइट के ऊपर तुम ब्रूट फोर्स अटैक लॉन्च करना चाहते हो या तो जिस साइट के ऊपर पेन टेस्टिंग अप्लाई करना चाहते हो उसके ऊपर तुम ये उस साइट का तुम उसका तुम यहाँ पे उस साइट को यहाँ पे तुम ओपन करना। तो फिलहाल हम लोग ने किसको लिया, हम लोगों ने वो जो मेटा एक्सप्लोइटेबल सिस्टम का जो वेब पेज है उसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो उसका ही हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा हम लोग को। तो उसका क्या है 192.168.29.127 वही था ना, तो ऑलरेडी यही था ये वाला जो ऑलरेडी मैंने पहले ओपन करके रखा है, तो उसका मैंने ये DVWA पेज को ओपन करके रखा है, ठीक है। अच्छा तो ध्यान देना यहाँ पे तुम देखना, थोड़ा मैं इसको साइड करता हूँ, यहाँ पे देखना मैं इंटरसेप्ट को फिलहाल मैंने क्या रखा, ऑफ रखा, मैंने इंटरसेप्ट को मैंने फिलहाल ऑफ रखा। यहाँ पे देखना तुम फिर से ये, अच्छा अभी मैं इंटरसेप्ट को मैं क्या कर दूँ, ऑन कर दूँ। मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट को क्या कर रहा हूँ, मैं इंटरसेप्ट को यहाँ पे करता हूँ ऑन, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही कुछ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जब इंटरसेप्ट को ऑन रखोगे तभी यहाँ से जो भी ट्रैफिक, मतलब इस पीसी से जो भी ट्रैफिक तुम्हारा मतलब बाहर जाएगा या तो बाहर से जो भी आएगा उसको ये क्या करेगा, उसको इंटरसेप्ट करते हुए उसका एक रिपोर्ट यहाँ पे शो करेगा, उसका एक रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही मैं यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया यूज़र नेम, समझ लो मैंने ऐसे ही डाल दिया यूज़र, मैंने यूज़र नेम डाल दिया यूज़र और पासवर्ड मैंने डाल दिया 123, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ लॉगिन, ठीक है। तो देखो ये मैंने लॉगिन क्लिक करते ही देखो यहाँ पे ये कुछ शो कर रहा है, देखो मतलब जो भी पैकेट मेरा सिस्टम से गया, मेरा जो भी पैकेट मेरा यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट गया, उस रिक्वेस्ट को इसने क्या किया, इंटरसेप्ट किया, उस पैकेट को इंटरसेप्ट करते हुए उसको उस पैकेट में क्या है क्या नहीं पूरा उसको एनालाइज करते हुए पूरा उसको मतलब पार्ट पार्ट करके उसको डिवाइड, मतलब उसमें जो भी है सब कुछ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फिलहाल मैं इतना टेक्निकल बातें बोलूँगा नहीं, मतलब उस पूरा पैकेट को मुझे जो भी पैकेट यहाँ से गया उसको पूरा वो क्या कर रहा है, पैकेट को डिटेल्स में तुमको पैकेट में क्या है क्या नहीं उसमें क्या जा रहा है सब कुछ मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, देखो उसमें से। अच्छा बाकी सबको अभी छोड़ दो, ये सभी अभी तुमको अभी इतना ये सब में जाना नहीं है, बस तुम इतना ही ध्यान दो, ये जब तुमको तुम्हारा पैकेट को इंटरसेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे तुमको ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी देखो मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप किया था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं तुमको शो हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यूज़र नेम यूज़र एंड पासवर्ड 123, मतलब यहाँ से जो भी तुम पास जो पैकेट के साथ जो भी जा रहा है डाटा भी जा रहा है ना, डाटा भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो बस हम लोग को अभी क्या करना है, बस इतना सा करना है, अभी इसको थोड़ा देर समय के लिए इसको मिनिमाइज कर दो, बस हम लोग का काम हो गया है यहाँ पे और इसका हम लोग को कुछ करना नहीं है। बाकी तो हम लोग फाइनली अटैक को लॉन्च करेंगे, मतलब इस साइट के साथ भी हम लोग को कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि इस साइट का कुछ ये जो पर्टिकुलर साइट में रिक्वेस्ट छोड़ने जब हम लोग छोड़ा हम लोगों ने यूज़र नेम पासवर्ड देके, तो उस वो जो रिक्वेस्ट गया वो जो पैकेट गया उसको हम लोग वो पैकेट को बार्ब स्विच ने मतलब उसने ले लिया, ठीक है। उस पैकेट को लेते हुए वहाँ पे यहाँ पे उसका रिजल्ट वो उसका रिपोर्ट शो कर रहा है। अभी इसी को मुझे अभी यूज़ करना है, ये जो भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पे तुमको मतलब डाटा दिख रहा है इसी डाटा को मुझे यूज़ करना है वो क्या तुम्हारा अटैक को लॉन्च करने के लिए, ब्रूट फोर्स अटैक को लॉन्च करने के लिए। अच्छा क्या इस कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है मैं समझा रहा हूँ अभी धीरे धीरे। अभी देखो ये यूज़र नेम तो पासवर्ड तो गलत पासवर्ड है, यूज़र नेम ये तो मैंने ही टाइप किया, और देखो ये मैंने अटैकर ने अपना सिस्टम से ही ब्राउज़र को ओपन किया, गलत यूज़र नेम पासवर्ड दिया, उसको पता नहीं है एक्चुअल यूज़र नेम, समझ लो, और गलत यूज़र नेम पासवर्ड दिया, और उसी गलत यूज़र नेम पासवर्ड के साथ साथ ये बार्ब स्विच टूल उस पैकेट को पूरा कैप्चर करके यहाँ पे शो कर रहा है। तो वो पता है वही यूज़र दिखा रहा है, यूज़र नेम वही यूज़र दिखा रहा है, पासवर्ड वही 123 दिखा रहा है, यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं है। तो इससे तुम्हारा अभी बस इस डाटा को मुझे यूज़ करना है, इस पैकेट को मुझे यूज़ करना है अटैक को लॉन्च करने के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे तुम एक काम करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे क्या करो कोई भी जगह पे ब्लैंक एरिया पे तुम राइट क्लिक कर दो, ये जो भी रिपोर्ट यहाँ पे आया है जो भी डाटा यहाँ पे आया है इसको मुझे सेंड करना है। कहाँ तक सेंड करना है, यहाँ पे और एक टूल है, यहाँ पे और एक फीचर है जिसका नाम हो गया इंट्रूडर, ये वाला यहाँ पे सेंड करना है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड करने के लिए जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्लैंक एरिया यहाँ पे तुम राइट क्लिक कर दो, राइट तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन आएगा, इंट्रूडर सेंड टू रिपीटर सेंड टू, ये सब बहुत सारा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब वो देखो सेंड टू इंट्रूडर रिपीटर स्कैन सर बहुत सारा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंड टू ओनली आज का जो टॉपिक है उसी के ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। तो इंट्रूडर में क्लिक करूंगा मैं, क्योंकि मुझे ब्रूट फोर्स अटैक को लॉन्च करने के लिए ये जो डाटा है इसको इंट्रूडर तक सेंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेंड टू इंट्रूडर, ये मैंने क्लिक कर दिया, हो गया। अभी ये इंट्रूडर तक पहुँच गया, देखो यहाँ पे इंट्रूडर का कलर ये हो चुका है रेड, मतलब यहाँ पे डाटा आ चुका है। यहाँ पे अभी हम लोग क्लिक करेंगे, कहाँ पे, अभी यहाँ पे जाएंगे हम लोग, अभी हम लोग का नेक्स्ट काम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद तुमको कुछ कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। देखो पहले तुम्हारा यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, ये वाला पुराना था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे देखो
हाँ यहाँ पे ये, तो यहाँ पे वो पहले से था वन वाला, इसलिए मैं उसको डिलीट कर दिया। अभी का अभी से वो उसका कोई रिलेशन नहीं है, अभी जो मैंने पैकेट स्निफ किया। तो यहाँ पे देखो, इंट्रूडर में आने के बाद सबसे पहले तुमको ये दिखा रहा है अटैक टारगेट, किसके ऊपर ये अटैक लॉन्च करेंगे, वो कौन सा है टारगेट, कौन सा है ये हॉस्ट, मतलब उसका आई पी, वो मेटा एक्सप्लोइटेबल सिस्टम का आई पी। यहाँ पे दिख रहा है 192.168.29.197, यहाँ पे ये सब चीज़ें तुम एक बार वेरीफाई करना है, तुमको कुछ चेंज नहीं करना, जस्ट वेरीफाई करना है, क्योंकि उस पैकेट से ही, वो जो पैकेट ये मैंने यहाँ पे इंट्रूडर तक सेंड किया उसी से ये सब डिटेल्स वो उठा रहा है, ठीक है। तो कॉन्फिगर द डिटेल्स ऑफ द टारगेट, तुमको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप से फिलअप कर देगा ये डिटेल, ठीक है, किसको अटैक करना है, इस पर्टिकुलर आई पी को और इस पोर्ट को, वो उस रिपोर्ट से ही वो ये सब डाटा उठा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जाना है पोजीशन, अभी ये एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा हम लोग को। पहले तो टारगेट में जो भी अपने आप से फिलअप हो गया इसमें छोड़, अभी इसमें तो रहने दो, अगला जाएंगे हम लोग पोजिशंस में जाएंगे, यहाँ पे कुछ काम करना होगा हम लोग को। देखो पोजिशन में यहाँ पे बोल रहा है कन्फिगर द पोजिशन वेयर पेलोड्स विल बी इंसर्टेड इन द इनटू द बेस रिक्वेस्ट, मतलब ये कि यहाँ पे ये सब हो गया पोजीशंस। पहले तो मैं बोल दूँ पोजीशन कौन किसका बात हो रहा है, जो चीज़ यहाँ पे हाईलाइटेड है, ये सब क्या है, हाईलाइटेड है कि नहीं, ये सब मतलब ये सब हो रहा है, ये सब को बोला गया है पोजीशन। तो ये पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट होके आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट में ये पोजीशन सिलेक्ट होके आ रहा है, लेकिन हम लोग को ये सब जितना भी पोजीशन यहाँ पे हाईलाइटेड है बाय डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट होके आ रहा है, इसको हम लोग अभी क्लियर कर देंगे। क्लियर कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है क्लियर, यहाँ पे क्लिक कर दो तो देखो जो भी पोजीशन सिलेक्टेड था वो पोजीशन को हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। हम लोग अपना खुद का पोजीशन यहाँ पे सेट करेंगे। पोजीशन मतलब क्या, ये जो अटैक हम लोग लॉन्च करेंगे वो अटैक क्या होगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड का ही ऊपर ही होगा ना, तो यूज़र अलग अलग यूज़र नेम एंड पासवर्ड को लेकर के ही मुझे यूज़र नेम एंड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन लेके मुझे उस साइट में लॉगिन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये जो मुझे इसको बोलना पड़ेगा कहाँ पे ये बार्प स्वीट टूल कहाँ पे कौन सा पोजीशन पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड को रखेगा और रख के वहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, तो डेफिनेटली पोजीशन तो यही होगा ना, यूज़र नेम पे जो मैंने यूज़र लिखा था पहले जब वहाँ से साइट को मैंने ओपन किया था, तो यहाँ पे अलग अलग यूज़र को अलग अलग यूज़र नेम को प्लेस करना है, यहाँ पे ये एक पोजीशन होगा और कहाँ पे ये पासवर्ड, यहाँ पे अलग अलग पासवर्ड को प्लेस करके ये दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हुए लॉगिन अटेम्प्ट करना है इस टूल को। तो हम लोग को इस टूल को बोलना पड़ेगा कि कौन सा पोजीशन में ये अपना अलग अलग यूज़र नेम पासवर्ड सेट करके उसको ट्राई करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला पोजीशन और ये वाला, बाकी यहाँ पे कुछ और भी पोजीशन पहले सिलेक्ट होकर आ रहा था उसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग पोजीशन क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे हम लोग पोजीशन ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब यूज़र नेम को सिलेक्ट नहीं करेंगे, जहाँ पे वैल्यू को असाइन करते हैं वहीं पे सिलेक्ट करेंगे यूज़र और ऐड कर देंगे। तो ये एक हम लोगों ने अपना खुद का पोजीशन डिफाइन कर दिया, इसका मतलब क्या है, मैंने अपना पोजीशन डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पे 1, 2, 3 ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 को सिलेक्ट कर लिया समझ लो, ठीक है, बस इतना सा ही सिलेक्ट करो। और ऐड मतलब मैंने ये दो पोजीशन अपने हिसाब से डिफाइन कर सेट कर दिया, मतलब यहाँ पे बार स्विच टूल अपना यूज़र नेम पासवर्ड अपना जो भी यूज़र नेम पासवर्ड डाल के उसको ट्राई करेगा। चलो मैंने पोजीशन सेट कर दिया, अभी पोजीशन का काम हो चुका है। अभी अटैक टाइप में बहुत सारा टाइप यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्लस्टर बॉम्ब, क्लस्टर बॉम्ब, ये स्नाइपर नहीं, क्लस्टर बॉम्ब सिलेक्ट करेंगे। क्लस्टर बॉम्ब क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन दो दो है और दोनों पोजीशन पे दो दो वैल्यू सेट करते हुए एक यूज़र नेम और फिर एक पासवर्ड, दोनों वैल्यू को सेट करके ही मुझे अटैम्प्ट करना है ना, तो इसीलिए क्लस्टर मोड में जाएगा ये, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे क्लस्टर बॉम्ब। अच्छा यहाँ काम हो चुका है। तो अगला स्टेप क्या है, तो हमने टारगेट में टारगेट सेट हो चुका है, पोजीशन में पोजीशन सेट हो चुका है, अटैक टाइप मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जाना है मुझे पेलोड में। तो पेलोड में भी हम लोग को एक इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करना है। यहाँ पे सबसे पहले दो ऑप्शन आ रहा है, पेलोड सेट 1 एंड पेलोड सेट 2, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। अच्छा पेलोड मतलब क्या, मतलब मैं इतना टेक्निकल बातें नहीं बोलूँगा, ये समझा रहा हूँ तुम लोगों को कि देखो ये एक पेलोड यहाँ पे लिखा ना कॉन्फ़िगर द पोजीशन वेयर पेलोड विल बी इंसर्टेड, ठीक है। तो एक पेलोड यहाँ पे बैठेगा और एक पेलोड कहाँ बैठेगा, यहाँ पे आएगा, एक पेलोड यहाँ पे आएगा, सेकेंड कहाँ पे आएगा, इस तरह से तुम समझ लो, ईजिली मैं समझा रहा हूँ। तो ये समझ लो पेलोड 1 और ये पेलोड 2, यहाँ पे क्या इस पेलोड 1 के लिए क्या क्या वैल्यू होगा और पेलोड 2 के लिए क्या क्या वैल्यू होगा। देखो वैल्यू तो बार्प स्वीट टूल अपने हिसाब से डिफाइन बनाएगा नहीं, तुम जो वैल्यू दोगे वही यहाँ पे वो बिठाएगा, ठीक है। तो ये पेलोड 1 का बात हो रहा है और ये पेलोड 2 का बात हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू मुझे इंसर्ट कराना है और उसके बाद अटैम्प्ट करवाना है और यहाँ का पासवर्ड पे क्या क्या वैल्यू डाल के अटैम्प्ट करवाना है वो हम लोग को डिसाइड करना है। तो पेलोड में जाएंगे हम लोग, पेलोड 1 मतलब पहले यूज़र, पेलोड 1 मतलब पहले इसका बात हो रहा है यूज़र।
पेलोड वन मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे पेलोड वन से सेट करना है। अच्छा पेलोड वन में मुझे क्या वैल्यू सेट करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे पेलोड टाइप है, सिंपल लिस्ट है, बहुत सारा है, अभी ये सब छोड़ दो, अभी तुम सिंपली सिंपल लिस्ट को ही सिलेक्ट कर लो। मतलब सिंपल लिस्ट में सिलेक्ट करने के बाद अभी पेलोड लिस्ट, वो लिस्ट क्या होगा यहाँ पर मुझे डिफाइन करना है, ठीक है। देखो वो लिस्ट तुम जैसे काली लिनक्स सिस्टम में बाय डिफॉल्ट में एक वर्ड लिस्ट आता है, तुम लोगों ने शायद पहले भी किया होगा, जो पुराना स्टूडेंट से हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पासवर्ड कैसे क्रैक करना है वहाँ पे सीखा था कि काली लिनक्स सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट तुम्हारा वर्ड लिस्ट भी होता है, या तो तुम अपना खुद का वर्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे कोई भी लिस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब समझना है कॉन्सेप्ट को, इसीलिए हम लोग अपने हिसाब से ही कुछ मैनुअली ही वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तुम चाहे तो लिस्ट यूज़ कर सकते हो, लिस्ट यूज़ करने के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे लोड करना है, यहाँ पे लोड करना है और तुम्हारा जहाँ पे भी लिस्ट है उसको डाल दो। लिस्ट वो तो क्या होगा, वो तो तुम्हारा TXT का फॉर्मेट में होगा, तुम्हारा जो भी वर्ड लिस्ट है, तुमने वर्ड लिस्ट मतलब जहाँ पे कि थाउजेंड्स ऑफ लाख्स ऑफ क्या है यूज़र नेम का एक लिस्ट है, वो लिस्ट तुमको यहाँ पे डालना हो और TXT फॉर्मेट में होगा। चाहे तुम लिस्ट कहीं से मैनुअली लाओ, या तो कालीनास का अपना भी एक लिस्ट होता है वर्ड लिस्ट, वो भी तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल इसको हम लोग कोई लिस्ट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा अभी ये उसको मतलब फाइनल रिजल्ट देखने में हम लोग को, इसलिए हम लोग खुद का ही क्या करेंगे, अभी लिस्ट नहीं डालेंगे यहाँ पर, हम लोग खुद का ही कुछ वैल्यू डाल देंगे मैनुअली। यहाँ पे मैनुअली वैल्यू डालने के लिए क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे एंटर ए न्यू आइटम, तो मुझे तो पता है एक्चुअल यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, एक्चुअल यूज़र नेम हो गया एडमिन और एक्चुअल पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ही है उसका। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया रूट, ठीक है, पहला मैंने यूज़र नेम का एक, मैंने एक यूज़र डाला रूट, मतलब ये सब को लेते हुए वो ट्राई करेगा वहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। तो मैंने रूट लिखा, फिर मैंने अगला लिखा यूज़र लिखा, तो ये मैं कुछ मैनुअली इस तरह से आइटम ऐड कर रहा हूँ, मैंने तीन कर ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, समय लगा, क्योंकि देखो ये तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये फ्री वर्जन है और ये बहुत ही स्लो चलेगा, पेड वर्जन बहुत ही फास्ट चलता है और ये फ्री वर्जन है इसलिए ये बहुत ही स्लो चलेगा। सेकेंडली ये परमानेंटली तुम इसको स्टोर नहीं कर पाओगे, यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स भी नहीं है फ्री वर्जन में। अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एडमिन, जो कि एक्चुअल यूज़र नेम होता है, तो मैं तीनों को ही रखा, चलो तीनों को मैंने यहाँ पे रखा, तीन के ऊपर हम लोग यूज़ करेंगे। फिर ये पेलोड वन के लिए हम लोगों ने एक लिस्ट सेट कर दिया, कोई हम लोगों ने कोई बना बनाया लिस्ट यूज़ नहीं किया, मैनुअली एक लिस्ट बनाया है, जो कि यहाँ से मैनुअली वन वन आइटम ऐड करते हुए हम लोगों ने इस लिस्ट को बना लिया। ये मतलब ये सब यूज़र नेम के हिसाब से यूज़ किया जाएगा, ये सब यूज़र नेम फील्ड में यहाँ पे बिठा के वो ट्राई करेगा, यहाँ पे रख के ये वैल्यू को, वो अलग अलग वैल्यू को यहाँ पे रखेगा और ट्राई करेगा। लेकिन यूज़र नेम के लिए मैंने वैल्यू दे दिया, अभी पासवर्ड के लिए वैल्यू क्या होगा वो मैं सेट करना होगा, ये तो पेलोड टू है अभी, तो यहाँ पे आओ अभी पेलोड टू को सिलेक्ट कर लो। और पेलोड टू के लिए भी तुमको यहाँ पे जैसे तुम कोई एक तरह से वर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हो, या तो मैनुअली मैं डालता हूँ यहाँ पे, तो मुझे पासवर्ड में पहले देता हूँ एडमिन, ठीक है, मैंने पहले दे दिया एडमिन वन टू, चलो मैंने ये एक पासवर्ड दे दिया, फिर मैंने दे दिया पासवर्ड, मैंने 12345 कर दिया, ये भी एक मैंने पासवर्ड दे दिया, और मैं जो फाइनल एक्चुअली सही पासवर्ड वो डालता हूँ, तो ये तो एक्चुअली सही पासवर्ड है, इसी को मैं डालता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया। चलो मैंने ये दो अलग गलत पासवर्ड एक सही पासवर्ड डाला है, तो तुम्हारा वर्ड लिस्ट में अगर देखो ये वर्ड लिस्ट डालने से ही मैच हो जाएगा ऐसा बात नहीं है, तो डिपेंड करता है, अगर उस वर्ड लिस्ट में तुम्हारा अगर बाई चांस अगर लग अच्छा तुम्हारा पासवर्ड एग्जिस्ट करता है तो तुम्हारा ये बूट फोर्स अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा। चलो अभी हम लोग यहीं पे इसको ट्राई करते हैं, तो मैंने ये डाल दिया, ये मेरा पेलोड सेट वन हो चुका है, पेलोड सेट टू भी मैंने सेट कर लिया है, इसको भी मैंने सेट कर लिया है, बस इतना सा काम यहाँ पे करना है, बाकी ये सब अभी छोड़ दो, पेलोड प्रोसेसिंग ये सब एडवांस काम है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को करना है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है, अभी हम लोग को फाइनली अटैक लॉन्च करना है। तो जब हम लोग यहाँ पे अटैक लॉन्च करने के लिए, या तो यहाँ पे आके ये देखो स्टार्ट अटैक लिखा हुआ है, या तो यहाँ पे तुम जाके इंट्रोडर में स्टार्ट अटैक कोई भी एक क्लिक करो, तुम्हारा अटैक लॉन्च हो जाएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे अटैक को लॉन्च करते हैं, उससे पहले हाँ चलो मैं कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग अटैक को लॉन्च करते हैं इंट्रोडर में स्टार्ट अटैक, ठीक है। तो ये मैसेज आएगा, कोई नहीं, इसको ओके कर दो, मतलब बोल रहा है कि ये तो तुम्हारा डेमो वर्जन है, मतलब फ्री वर्जन है। बस अभी हम लोग यहाँ पे रिजल्ट आएगा, तो उसका रिजल्ट क्या थोड़ा वेट करेंगे हम लोग, हालांकि ये फ्री वर्जन है इसलिए स्लो चलेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नहीं तो ये तुम्हारा ये तो बहुत बहुत समय लग रहा है, तीन कॉम्बिनेशन ट्राई करने में इतना समय लग रहा है, तो ये प्रो वर्जन में इतना नहीं होता है, बहुत ही फास्ट चलता है ये, बहुत ही फास्ट, ठीक है। चलो अब ये चल रहा है, थोड़ा वेट करते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशंस होगा, ये 9 कॉम्बिनेशन को ट्राई करेगा वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, हो गया फिनिश, यहाँ पे दिखा रहा है फिनिश, अभी ये रिजल्ट आया मेरे पास, ये अभी एक लिस्ट आया, तो यहाँ से अभी हम लोग को पता करना है वो कौन सा एक्चुअल यूज़र नेम पासवर्ड है जो कि सक्सेसफुली मतलब सक्सेसफुली लॉगिन, जिसके थ्रू सक्सेसफुली लॉगिन, तो देखो नहीं तो अगर तुम्हारा तो ये तो हम लोग को पता है इसीलिए यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में करोगे तो तुमको एक्चुअल यूज़र नेम पासवर्ड नहीं भी मिल सकता है, तो वो तो डिपेंड करेगा तुम्हारा वर्ड लिस्ट के ऊपर वहाँ पे है कि नहीं।
फिर भी अभी यहाँ पे समझते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देखो क्या है कि हम लोग को ये जानना है, देखो अभी तो पता है हम लोग को एडमिन एंड पासवर्ड है, लेकिन यहाँ से इस लिस्ट में अगर समझ लो तुमको पता नहीं एडमिन पासवर्ड, तुम इस लिस्ट को देखते हुए कैसे पता करोगे कौन सा एक्चुअल यूजर नेम एंड पासवर्ड है? तो उसके लिए फंडा क्या है, देखो यहाँ पे देख के तुमको समझ में आएगा नहीं, सब एक ही दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ये सब सेम सेम आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लेंथ पे तुम ध्यान दो और लेंथ पे ही तुमको वो रिजल्ट मिल जाएगा कौन सा एक्चुअल यूजर नेम पासवर्ड है। देखो सबका यहाँ से यहाँ तक देखो सबका वैल्यू एक ही आ रहा है लेंथ वैल्यू, लेकिन इसका लेंथ वैल्यू अलग है। ध्यान दो यहाँ पे सबका 4885 4885, ये सबका यहाँ से लेके यहाँ तक सबका एक ही वैल्यू है, लेकिन इसका 4951 इसका वैल्यू अलग है। तो मतलब क्या है कि इसमें कुछ हुआ है ये सब में और इसमें फ़र्क है, तो मतलब इसमें कुछ हुआ है, मतलब हो सकता है कि इसमें लॉगिन सक्सेसफुल हो गया इस यूज़र नेम पासवर्ड में, इसीलिए इसका वैल्यू अलग आ रहा है। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो देखो जब तुम इस तरह का वैल्यू तुमको अलग से मिलता है तो तुम डायरेक्ट इसी यूज़र नेम पासवर्ड को लेते हो, यहाँ पर ट्राई करके देखो, तुमको तो यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ से मिल रहा है जो कि अलग वैल्यू दिखा रहा है, तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि हाँ यही शायद तुम्हारा यूज़र नेम पासवर्ड है। तुम ये यूज़र नेम पासवर्ड लेते हुए उस जहाँ पे मैंने पहले ट्राई किया था यहाँ पे समझ लो, तुम फिर से ट्राई करो यूज़र नेम यूज़र, वो तो पता है मैंने तुमको पहले भी दिखा दिया जैसा अभी बोल रहा हूँ, एडमिन और पासवर्ड क्या है पासवर्ड, क्योंकि मुझे वहाँ से मिल गया ना, तो उसको मैं लेके यहाँ पे एक बार ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे ट्राई करूँगा, अगर सही सही है तो सही दिखाएगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ये मैंने यहाँ पे देखो लॉगिन कर दिया और डेफिनेटली ये सही यूज़र नेम पासवर्ड ही यहाँ पे तुम्हारा सही रिजल्ट ही आएगा। अच्छा तो वेट कर लेते थोड़ा, या तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको, यहाँ पे अगर थोड़ा समय ले रहा है क्योंकि मेरा इंटरसेप्ट ऑन है इसलिए थोड़ा समय ले रहा है। यहाँ पे मैं जाके चलो ये मैं इसको यहाँ से कहाँ पे मैंने तो लिस्ट को ही मैंने क्लोज कर दिया क्या, हाँ यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, ये मेरा जो है प्रॉक्सी और यहाँ से इंटरसेप्ट को मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है। और फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे, फिर से एक बार मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड क्या है, मैंने दिया PASSWORD पासवर्ड और लॉगिन करता हूँ। तो ये देखो ये मतलब सही यूज़र नेम पासवर्ड मुझे मिला, इसीलिए यहाँ पे वेलकम टू पासवर्ड प्रोटेक्टर ये दिखा रहा है। मतलब वो वहाँ से कहाँ से मिला मुझे, वो मुझे मतलब बार्ब स्वीट पूल से ही मुझे मिला, जो कि मैंने यहाँ पे ट्राई किया और लॉगिन हो गया। मतलब ये तो पहले ही पता हम लोग का, लेकिन ये तो समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। तो इस तरह से हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक को लॉन्च करते हुए किसी भी इस तरह का तुम्हारा किसी भी साइट को, किसी भी लॉगिन साइट में लॉगिन साइट को तुम एक्सेस कर सकते हो, किसी का लॉगिन का तुम एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई फेसबुक हो, जो भी हो। इस तरह से मैं ज़्यादा इसको रिवील नहीं करूँगा ये सब बातें, लेकिन इस तरह से तुम कर सकते हो, लेकिन ये सब करना मत, ये तो इलीगल है। जस्ट टेस्टिंग के लिए किसी का परमिशन लेते हुए ट्राई कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन खुद अगर करना है तो अपना खुद का सिस्टम में, अपना खुद का लैब में करना तुम लोग। तो ये हो गया आज का टॉपिक, टुडे वी हैव सीन हाउ टू इंप्लीमेंट द ब्रूट फोर्स अटैक यूजिंग बार्ब स्वीट टूल इन लिनक्स सिस्टम। सो आई थिंक यू हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स। किसी का कोई अगर डाउट है तो मुझे अगला क्लास में पूछ लेना, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, कोई क्वेश्चन है किसी का, सब है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं क्लोज करता हूँ आज का क्लास यहीं पे, और अच्छा